कोरोना की महामारी के बुरे वक्त से देश गुजर रहा है, जिसकी वजह से मजदूर और गरीबों को बहुत समस्या हो रही है। ऐसे वक्त में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हर जगह मजदूर पलायन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा खंडवा में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन की वजह से एक गरीब महिला, जो कि प्रेग्नेंट होते हुए भी भूख और लाचारी की वजह से पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर है। दरअसल एक 8 महीने की गर्भवती महिला अपने 2 साल के बेटे और पति के साथ लगभग 400 किलोमीटर पैदल चलकर खंडवा पहुंची और अभी जिसे कई किलोमीटर पैदल चलकर यूपी के सतना जिले जाना है। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने परिवार के साथ चटाई बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया है। वहां ना खाने की व्यवस्था थी और ना ही रहने की, जिसके बाद वो अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो गए। लोग औरंगाबाद से आ रहे हैं, 4 दिन हो गया पैदल आते, उधर ना खाने के लिए कोई सुविधा, ना कुछ ही काम का नहीं, ना दवाई कराने के पैसा, ना कुछ का नहीं, हाथ में 1 रुपया नहीं की गाड़ी भी कुछ भी मिले तो देंगे और जाएंगे, कुछ भी नहीं है। खाने की सुविधा नहीं, रूम भाड़े वाले तो भाड़े ही मांग रहे हैं, तो जाएं कि हाँ हम जिला को जाना है जी। वहाँ से आए, अब अपने ऊपर गरीबी तो अब झेलना पड़ रहा है, पैसा दाम था नहीं अपने पास, उधर भी देखना है, दवा देखना है, खाना पीना, रूम भाड़ा सब देखना है, अपने पास पैसा नहीं था, अपन उधर से पैदल चल दिए। अभी जितना इधर तक आए, अभी बैठते बैठते 4 दिन हो गया। कहीं आपको रोका नहीं गया? नहीं, कहीं नहीं रोका गया, बस पुलिस वाले मिले और बोले पानी वानी ले लो और बस निकल जाओ, ऐसे रोका नहीं गया। ये बात जब जिले के पंधाना विधायक राम डांगोरे को पता चली तो उन्होंने इन मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की और प्रशासन से कई सवाल पूछ लिए। सतना का बता रहे हैं और औरंगाबाद से पैदल चल करके आए हैं और अभी यहाँ से सतना जाएंगे। मेरा सिर्फ छोटा सा प्रश्न है कि एक तो शहर के अंदर इंटर कैसे हो गए, और इंटर हो गए तो इनका डाटा क्यों नहीं बनाया, इनको भोजन हुआ कि नहीं हुआ, इनको कहाँ पर रखने वाले हैं कोई इनको जानकारी नहीं है। मैंने फ़ोन लगाया, मेरे को जानकारी मिली कि हमारी विधानसभा से होते हुए कुछ लोग इधर आ गए हैं, प्रेग्नेंट महिला है, कोई भी इंसान हो उसके अंदर मानवता जीवित रहती है, ये यहाँ तक आ गए, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं करी। आगे आप जाइए, आपको और 100 लोग मिलेंगे, खंडवा कैसे क्रॉस करके चले गए वो, ये 2 साल का बच्चा है, तेज गर्मी है, कुछ हो गया तो कौन इनकी नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेगा, और ये क्रॉस करके कैसे निकल जाएंगे यहाँ से। मानवता भी कोई चीज़ होती है, मैं उसी मानवता को खोज रहा हूँ और जिस व्यक्ति में मानवता नहीं मिल दिख रही है मैं उसका सीधा विरोध कर रहा हूँ। बताया कि आपने खंडवा कलेक्टर को फोन लगाया, आपको क्या जवाब मिला? देखिए, महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो इंसानियत को नहीं समझेगा उसका विरोध चालू, ये राजनीति का टाइम नहीं है, लेकिन ये सोशल लीडरशिप का टाइम है, समाज के साथ में गलत होगा तो हम खड़े होंगे। अब सवाल ये उठता है कि खंडवा में कोरोना की बढ़ती संख्या के बावजूद हर दिन सैकड़ों लोग शहर की सीमाओं में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।